जहां तक मुझे पता चला है, देखिए उसके कंटेंट्स तो वही हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड कॉलम्स हैं। अलबत्ता उसके मुझे पता चला है कि उसके टाइटल पे कुछ हलकों को एतराज हुआ है, और कल मुझे भी अप्रोच किया गया था और ये कहा गया कि जी आप इसके टाइटल जो है, इसके ऊपर जो कार्टून है वो दैट टाइटल्स दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उसके बाद जाहिर है ये एक लाइट मोड में कार्टून बनाए जाते हैं, इसका मकसद ये तो नहीं होता कि कोई कार्टून हमेशा लाइट टोन में देखे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद रात देर गए तक, जब बहुत ज्यादा मेरे दोस्तों से और मेरे जो ग्रुप है उससे जब बहुत ज्यादा कहा गया, तो फिर ये हमने अपने ट्विटर से उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। और अब उसका टाइटल इंशाल्लाह चेंज करेंगे, ठीक है। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें काबिल एतराज चीज थी, लेकिन इसके बावजूद कि अगर कई आईब्रोज उठी हैं तो उसको चेंज कर देंगे। सुहेल साहब, एक चीज बताइए, ये किताब इसका जो कंटेंट है वो किस चीज पे मुश्तमिल है? इसके जो कॉलम मेरे जंग में या बीबीसी में छपते रहे हैं ये उनका मजमूआ है। अच्छा, तो कॉलम तो सारे छप चुके हैं, सही, ये उनकी कलेक्शन है। टाइटल पे ही उनको शायद किसी को इतराज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, टाइटल तो लाइट मोड में देखा जाता है हमेशा, जो कार्टून हैं इनको उस तरह से नहीं देखा जाता कंटेंट के तौर पर, तो इसीलिए इसको जरा एक, और जाहिर है इससे पहले अपोजिशन भी इस तरह की बातें करती रही है कि प्राइम मिनिस्टर का कि भाई प्राइम मिनिस्टर को खुली छुट्टी है और अरे एक पेज पर है, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन अगर जाहिर है मुल्की अदारों को इस पर एतराज होगा तो उसको चेंज कर लें। लेकिन सुहेल साहब, अक्सर हम अखबारात में काफ़ी कार्टून्स देखते हैं जो कि इसी इसी तनाजुर में बनाए जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो मैं कहूँगा इससे ज़्यादा भी मजाक में बना लिए जाते हैं, तो आपके ख्याल में इस स्पेसिफिकली इस किताब से क्यों मसला हुआ? ये मेरे, ये तो मैं समझने से कासर हूँ कि आखिर में क्या मसला हुआ है। बज़ाहिर मुझे तो कोई वजह नहीं लगती, वास्तव इसके कि किसी ने कोई अपना गुस्सा निकाला हो। तो सुहेल साहब, आपने अब ये फैसला कर लिया है कि इसको तब्दील करेंगे या आप थोड़ा रिजिस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सर, वो रिजिस्ट तो तब है ना कि जब वो किताब को चलने ही नहीं देंगे, तो फिर इसलिए जरूरी है कि किताब को लोगों तक पहुंचे। देखिए ना, एक दूसरी सूरत यह है कि उसको बैन करवा लें या उसको वहां से मार्केट से उठवा लिया जाएगा, तो बेहतर है कि उसके अंदर जो एतराज है, टाइटल पे एतराज है, बाकी कंटेंट पे तो एतराज भी नहीं। अच्छा, टाइटल के यानी उनवान पे एतराज है या सिर्फ कार्टून पे एतराज? कार्टून पे एतराज। अच्छा सुहेल साहब, अभी गुज़िश्ता चंद रोज से हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस भी किए गए हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये हैवी हैंडेडनेस जो है इवन आपके किताब के साथ भी, क्या ये उसी का सिलसिला है या ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है? मेरा ख्याल है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। मतलब इससे ना हुकूमत को फायदा होगा, ना रियासत को फायदा होगा, ना सहाफत को फायदा होगा, क्योंकि हम ना किसी के मुस्तकिल तौर पर खिलाफ होते हैं, ना किसी के मुस्तकिल तौर पर हमायती होती है। हमारी जर्नलिज्म इशू बेस्ड होती है, पॉलिसी बेस्ड होती है, और मुख्तलिफ इशूज पे हमारा मुख्तलिफ, कभी हम मुखालफत कर रहे होते हैं किसी चीज की, कभी किसी चीज की हमायत कर रहे होते हैं। तो सहाफत को इस तरह से लिखना कि अगर किसी चीज की मुखालफत की है तो ये हमारा दुश्मन हो गया है, ये गलत है।